किसान नेता हैं भूपेंद्र रावत जी, हम उनसे बात करेंगे। रावत जी, मोदी सरकार ने ये नए कृषि कानून तो वापस ले लिए हैं, अब आंदोलन का ये स्वरूप बताइए, ये आंदोलन क्यों चल रहा है? देखिए, अभी जो ये सवाल करते हैं आपकी, ये आंदोलन क्यों चल रहा है, पहली बात मैं ये बताऊं कि हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए तो दशकों से लड़ाई चल रही है। और मैं आपको आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अगर मैं गलत नहीं तो 2011 में उन्होंने बाकायदा उपभोक्ता मामलों की एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को MSP की गारंटी दी जानी चाहिए। 2011 का उनकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। और अब तो प्रधानमंत्री हैं। और चूंकि इस बीच में अगर हम बात करें, ये जून 2020 में जब कोरोना काल में योजनाबद्ध तरीके से कानून क्यों लाए गए, आप समझ लीजिएगा, तो एक बात तो देश को समझनी चाहिए कि जब ये कानून आए तब नरेंद्र मोदी ने किसी से मीटिंग नहीं की थी, 5 जून को अध्यादेश जारी किए गए थे, और अब भी अगर मैं गलत नहीं हूँ 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग हमारी हुई, हमारे समिति के संयुक्त किसान मोर्चा की आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी, तब से लेकर के अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। तो अब आप समझ लो कि देश के प्रधानमंत्री का कब मन करता है कौन सा कानून लाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नरेंद्र मोदी ने लाइनों पर लगा करके नोटबंदी में लोग बरबाए, नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में टैक्स पद्धति बदली करके लोग मरवाए, क्योंकि जो बोलते हैं मोदी ताली बजाकर उद्योग बंद हो गए, जो बिजली अतिरिक्त हो गई है, 2019 का मेरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 132 बिजली के उत्पादन इकाइयां बंद कर दी गई, बिजली ज्यादा हो गई थी, ये नहीं है कि बिजली उत्पादन बढ़ा, बल्कि भारत में उद्योग और व्यापारिक संस्थान बंद हो गए टैक्स पद्धति के कारण, नोटबंदी के कारण। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने ताला बंद किया जब 500 के करीब मामले थे, तो सड़कों पर लाइन पे लगवा करके लोग मरवाए, रेल की पटरियों पर कटवा करके मरवाए, आपने फिर मैं दूसरी बात करते तो आपने शमशान, पहली बार हुआ कि शमशान घाट कब्रिस्तान में आपने लाइनें लगवाई, वहां लोग मरवाए, हॉस्पिटल में कतार लगवाई, और फिर आपने 3 काले कानून ला करके किसानों को विवश किया। यहां भी हमारे किसानों की शहादत हुई, आपने लाइनें लगवाई दिल्ली में, हम लोग रुके हुए थोड़ी हैं, हम तो बॉर्डरों पर रोके गए, सब दिल्ली जा रहे थे, तो आप लाइन लगवा कर मरवाने में माहिर व्यक्ति हैं। देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी ने यह जिद क्यों की थी, क्या हमारे देश के 750 किसानों का नरसंहार करने के लिए, क्या लखीमपुर खीरी में पहली मर्तबा हुआ कि देश की आजादी के 7 दशक बाद कि मंत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पुत्र ने किसानों का नरसंहार किया हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, आपका सवाल है, पहला महत्वपूर्ण सवाल देशवासियों को जानना चाहिए, यह जिद किस बात की थी, क्या हमारे किसानों को क्या क्या नहीं हुआ? आपने पानी की तोप की बौछार, आपने आंसू गैस के गोले दागे, आपने लाठियों से पिटवाया, आपने बिजली पानी कटवाया, आपने रास्ते में कटीले तार बिछवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो पराकाष्ठा और क्या नहीं, संसद के अंदर इसी व्यक्ति ने क्या कहा था, आंदोलन जीवी और पर्ची भी कहा था, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने कहा यह पाकिस्तानी आतंकवादियों का पोषित आंदोलन है। मतलब ये कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ कि ये दुधमुहे बच्चे, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले और तोप की पानी की तोप की बौछार, मैं जब सिंगू बॉर्डर गया पहले तो मैंने देखा 10 साल के बच्चे बाहर थे, लेकिन हैरान हुआ मैं, वहां अस्तन पार करा बड़ी दुधमुहे बच्चे महिलाएं गोद में, तो मैं मानता हूं उन दुधमुहे बच्चों की जीत है, उन माओं की जीत है जो अपने नवजात बच्चों को गोद में लेकर आई हैं, उन शहीदों की जीत है 750 की, वो जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ उनकी जीत है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, देर आए दुरुस्त आए ये मत बोलो, दो चीज बातें, एक आंदोलन क्यों चल रहा है, अरे ये तो कृत्रिम लड़ाई इसने बनवाई, ये लड़ाई काले कानून लाए गए, ये पहले से नहीं थे, MSP की गारंटी की लड़ाई पहले से थी है और MSP की गारंटी हासिल करने तक रहेगी। और दूसरा, हमारे देश के अंदर अभी आपको बताना चाहता हूँ 10 गुना ज्यादा जो बिजली विधेयक आ रहा है उसमें 10 गुना ज्यादा किसानों का बिल आने वाला है, और 5 गुना ज्यादा एक एक उपभोक्ता का जो आपके घरों में बिल आता है, आपके हमारे घरों में वो 5 गुना ज्यादा आने वाला है, वो बिजली बिल विधेयक वापस होना चाहिए। अब पराली की बात करते हैं, 4% से कम योगदान है, तमाम योगदान जो गाड़ियों का बाकी का पोल्यूशन का उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसानों को पराली का बनाते हैं। आगे की रणनीति क्या है? रणनीति बड़ी साफ है, ये जो प्रस्तावित बिल है इनके, इन्हें वापस लेने पड़ेंगे, MSP की गारंटी की मांग को करना पड़ेगा, संसद के सत्र शुरू होते ही 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, हमारे किसानों की जो शहादत हुई है उसका भरपाई और मुआवजा इनको अदा करना पड़ेगा, ये साफ है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा, उस बारे में बताइए। नहीं, 5 राज्यों के चुनाव की अगर मैं बात करूं बड़ी साफ गोई के साथ में, 5ों के 5ों राज्य में
चार राज्यों में अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस वापस आ रही है, ये जा रहे हैं, और एक राज्य में सपा गठबंधन की सरकार आ रही है। जो आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, हल मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जनता की नब्ज की बात कर रहा हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, हिमाचल में 97% हिंदू हैं, 97%, और अनाथ कांग्रेस है। मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन और वहाँ से बड़ा कोई हिंदू एक्सप्रयोग इनका हो नहीं सकता। तो हिमाचल के हिंदुओं ने इन्हें खारिज कर दिया, और हिंदुओं में भी वहाँ हिमाचल में भी राजपूत और ब्राह्मणों की आबादी बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के भारत के तमाम समुदाय के लोगों ने इसका त्याग कर दिया है। इससे बड़ा और कोई प्रयोग हो सकता? आप समझ लीजिएगा, हिमाचल में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, नोटबंदी के बाद, काला कानून, जो जो ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आखिरी बात, किसानों ने जिस तरीके से हमारे खेत खलियान को बेचने से बचा दिया, उसी तरीके से अगर देश में बैंकों की यूनियन, रेलवे की यूनियन, तमाम LIC की यूनियन, गेल भेल सेल की यूनियन सड़क पर आ गई होती, तो आज हमारे सरकारी संस्थान नहीं बिकते। और अगर देश के करोड़ों बेरोजगार इसी तरीके से सड़क पर आ गए होते, तो बेरोजगारी के लिए नहीं जूझना पड़ता। और भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर आ गए होते, तो चीन अरुणाचल में गांव बसाकर कब्जा नहीं करता, बेनकाब करता, और गोदी मीडिया की जगह आपका सोशल मीडिया अगर संघ ढंग से एक्सपोज कर पाता, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ना देश में किसान सुरक्षित है, ना देश का बच्चे सुरक्षित है, ना देश का सरकारी संस्थान सुरक्षित है, ना देश की सीमाएं सुरक्षित है, ना देश का संविधान सुरक्षित है। जो संशोधन हुआ है उस बारे में बताइए आप। तमाम देखिए, जो मैंने आपको कहा, एक भी कानून, एक भी कार्यकलाप, एक भी कदम मोदी सरकार का, संघ परिवार का, हमारे देश के 100% तबके के खिलाफ है, और राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी, मोदी सरकार से नाराजगी, और भूपेंद्र जी ने तो अपना एनालिसिस बता दिया कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार और 1 राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार। ये थे भूपेंद्र रावत जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्कार।